मंडी शहर के एक दर्जी ने खुद को मिले सरकारी राशन को गरीबों में बांटकर दरिया दिली का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। मंडी शहर में खत्री सभा के पास दर्जी की दुकान चलाने वाला ममिनूर हुसैन मूलतः कोलकाता का रहने वाला है। ममिनूर बीते 22 वर्षों से मंडी जिला में रह रहा है और यहां दर्जी का काम करता है। ममिनूर को लॉकडाउन की अवधि में सरकारी डिपो से सब्सिडी पर जो राशन मिला उसे वह गरीबों में बांट दिया। 3 महीनों का जो राशन इकट्ठा हुआ वह ममिनूर को नाकामी लगा। ऐसे में उसने अपनी जेब से पैसे खर्च करके बाजार में कुछ और राशन खरीदा। मंडी शहर में झुंगियों में रहने वाले 6 परिवारों को ममिनूर ने यह राशन मुहैया करवाया, जिसमें 12 किलो चावल, 1 किलो प्याज, आलू, बैंगन, 1 दर्जन केले और 1 मास्क इन सभी परिवारों को दिया। ममिनूर हुसैन ने बताया कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में राशन था। जब वह उसे सरकारी राशन मिला तो मन में इसे गरीबों को बांटने का ख्याल आया। कुछ राशन मुझे डिपो से मिला है और कुछ मैंने खरीदा है, जैसे सब्जियां वगैरह बाजार से खरीदी, मैंने खरीद के इन गरीब परिवारों को दिया है। आगे फल फ्रूट भी ये खरीद के किया है और इसके अलावा गरीब परिवार को मास्क भी बांट रहे हैं, तो आगे भी ये काम हमारा जारी रहेगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा जो सक्षम लोग हैं वो भी आगे आए, इस तरह गरीब परिवारों को राशन बांटे, क्योंकि हमारे पास अगर राशन है घर पे भरपूर है और हम अच्छे से खा रहे हैं, तो प्लीज आप वहाँ से गरीबों को भी थोड़ा सा दान कीजिए और उससे आशीर्वाद बहुत मिलते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह के कार्य करने में। और मेरे गुरुदेव के प्रेरणा से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी गुरुदेव के उनके बातों को अमल करते हुए आगे मैं इस तरह के कार्य करता रहूँगा। भेंजुंगियों में रहने वाली बीना देवी ने बताया कि लॉकडाउन के समय कुछ लोगों ने उन्हें राशन पहुंचाया था, लेकिन अब कोई इस तरह की मदद नहीं कर रहा है। जिस युवक ने राशन बांटा उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बता दें कि ममिनूर हुसैन लॉकडाउन के दौरान कपड़े के सैकड़ों मास्क बनाकर जरूरतमंदों को बांट चुका है। हाँ जी, पहले तो देते थे, अब तो नहीं है ना राशन वगैरह, पहले देते थे, यहाँ देके गए है, ठीक ठाक भी रहे, हमारी मदद भी की, ऐसी बात नहीं है। अभी तो भाई जी आए, हम नहीं पहचानते इसको, इसने अपने आप आके दिया है राशन, उनको धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी उनको,